के पेपर। तुम्हें क्या तकलीफ होती अगर मैं न्यूज पढ़ू तो? अरे 40 साल से देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हो, पढ़कर क्या कर लिया तुमने? अजीब सवाल करती हो तुम। अखबार पढ़ के क्या करता है आदमी? रद्दी में डाल देता। और क्या करता? 1.5 रुपया रोज का, 40 साल हो गए जमा करते, तो सोचो कितने लाख होते अब तक। तो मैंने कमाए थे ना, तुमसे तो नहीं मांगे थे। बच्चों की शादियां रद्दी बेच के की है मैंने। बात करती है, ये लो अपने चश्मे। 2 मिनट चश्मा क्या दे दिया, जान खा गई। तो अपना क्यों तोड़ा था फिर? तोड़े नहीं थे मैंने, शीशा निकल गया था, टूटी जाके लगवा लूंगा मैं। फोटो देख देख तंग आ गए हम इतनी देर से। तुम आराम से हो ना? नींद नहीं आई तुम्हें? नहीं तो मुझे बात नींद आ रही है, रात भर टेंशन में था। टेंशन किस बात का? हनीमून का। और क्या, ऐसी वैसी कोई हॉलिडे थोड़ी है, हनीमून है हमारा पहला। ओ वहाँ आंटी जी, टॉयलेट कैसी है? क्या मतलब? मतलब टॉयलेट कैसा है, साफ है या नहीं? मतलब तुम वहाँ नहीं जा सकते, लेडीज के लिए। जी मैम, उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ। अब जैसा भी है, जाना तो वहीं पड़ेगा। क्या आप ठीक है? दिखा है क्या? खट्टा खट्टा से मुझे हिचकिया। हम ऊंचे हील वाली सैंडल मत पहनो, पहाड़ी इलाका है, कितना चलना फिरना होगा। और चलने वाली घड़ी तो तुम साथ लाई। छड़ी की नौबत नहीं आई भी हमारी। बहू ने इतने शौक से सैंडल ला कर दी, पहनते कैसे नहीं? रहने दो, शौक खुद का और नाम बहुओं का। चलो। ताजमहल लॉज में आपका स्वागत है। शोभा आंटी और चतुर्वेदी अंकल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपने यूनिक स्टाइल में। थैंक यू, वेलकम सर। ये क्या बात है भाई, ऐसे कैसे बगैर पूछे एक ही ड्रिंक थमा दिया? ऐसी ही रीत है, याद नहीं मंजू की शादी में दोनों दूल्हा दुल्हन एक ही प्लेट से। वाह वाह, यानी इस उम्र में भी हम दोनों इन्हें दूल्हा दुल्हन नजर आते। सॉरी। थैंक यू सर। थैंक यू। Help? नहीं तो यू आर राइट। जी वो हनीमून का डेकोरेशन करना है। Thank you.
May each night be as sweet as honey and as romantic as the full moon. इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी. मैं एक फोन कराऊं? माँ से कहा था पहुंचते ही फोन करूंगी. यहीं से कर लो ना. यहाँ सेलफोन का नेटवर्क वीक है और वहां अंदर लिखा है कि ट्रंक कॉल्स रिसेप्शन से कीजिए. तो मैं करके आती हूँ. अरे जब इतनी देर हो गई मैं खुद ही तुम्हें चलाया. माँ से बात करो. नहीं लाइंस बिजी थे लगा ही नहीं. बाद में ट्राई करते. साहब कुछ लेके आओ. नो थैंक्स. ओके सर. तो अब क्या करना है आप बताइए. आई डोंट नो. मेरा पहला हनीमून है. हनीमून्स पे लोग क्या करते हैं? आई डोंट नो. घूमते फिरते हैं. थोड़ी बहुत साइट सीइंग करते हैं. शॉपिंग करते हैं आई गेस. मैंने तो सुना था कि मोस्टली कमरे में ही रहते हैं इसलिए ये स्पेशल हनीमून स्वीट्स होते हैं. आई एम जोकिंग. चलो बाहर एक चक्कर लगा कर आते हैं. आई हैवंट बीन हियर सिंस कॉलेज. अब तक तो काफी बदल गया होगा. तुम्हारा पैर का क्या साइज है? सैंडल्स का बैग मुझे दे दीजिए. और मेरे जूतों का बैग वो भी दे दीजिए. इट्स ओके मैं दोनों ही उठा लूंगा.